तो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो अभी तक जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, ठीक है, वो ये सीखा है कि सेल को देखा, व्हाट इज द सेल्स, देन वी गो टू द हिस्ट्री ऑफ द सेल्स। उसके बाद हमने साइज एंड शेप की बात की, और लास्ट में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में हमने तीन तरह के सेल्स को बताया, जिसमें हमने इंक्लूड किया कि प्लांट सेल्स क्या होता है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, साथ ही देखा एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और साथ ही हमने सीखा था बैक्टीरियल सेल्स का। कि दुनिया में जितने भी पाए जाते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। प्लांट और एनिमल्स को बोला गया था यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, और बैक्टीरिया जो होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है। कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया प्रीवियस क्लास का। तो लास्ट दो क्लासों में जो हमने पढ़ा था कि सेल सीखा, पूरा सेल के बारे में हिस्ट्री देखी, उसके बाद में साइज और शेप की देखी, डिफरेंट टाइप का शेप था और क्या साइज था, स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सा हो सकता है, लार्जेस्ट सेल्स कौन सा था, सब बात है की। फिर प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंस भी देखा, और फिर बैक्टीरियल सेल्स भी देखा। कि ये मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया था, जो आपके वैसे सिलेबस में अभी मेंशन नहीं है, आगे पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये बताने का रीजन था क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बैक्टीरियल सेल्स, और इससे आपका डिफरेंस क्लियर हो पाता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का। क्योंकि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर गिवन इन योर सिलेबस ऑफ द नाइन्थ क्लास, बट बैक्टीरियल सेल्स आर नॉट मेंशन। सो विद रेस्पेक्ट टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स का ही एक एग्जाम्पल होता है बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। तो इतना सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, और इससे आगे कहानी आज स्टार्ट होगी। इससे आगे जो आता है सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे हम। क्या करेंगे? सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल है, उन पॉइंटों को देखेंगे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है। तो देखिए, तो सेल ऑर्गेनेल, तो सेल के अंदर एंट्री लेते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसा तुम्हें याद होगा कि हमने देखे थे प्लांट सेल्स, और प्लांट सेल्स में क्या देखा जाए, सबसे आउटर क्या है उसके अंदर एंट्री करें। तो आपको याद होगा कि कुछ इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनाया था सेल का, प्लांट सेल्स का, कि ये वाला स्ट्रक्चर है प्लांट सेल्स का, और इसके अंदर क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर थी जिसको बोला गया था सेल वॉल। क्या था ये एक सेल वॉल थी, और सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन ये वाली सेल मेम्ब्रेन होगी, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल ऑर्गेनल है। तो अब तो मैं स्टार्ट करूँ बाहर से ही एंट्री करें। तो सबसे बाहर क्या था? सेल वॉल। तो पहले प्लांट के सेल वॉल को देखें, फिर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आ जाएंगे, फिर उसके अंदर सेल ऑर्गेनल को। तो देखो ये सिक्वेंस होगा तो बेटर होगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों? हम सेल में बाहर की साइड से एंट्री लेंगे, तो सबसे बाहर होती है सेल वॉल, फिर पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद में सेल ऑर्गेनेल पे बात पहुंचेंगे, ठीक है। तो देन वी स्टार्ट विद द सेल वॉल। तो पहले क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। तो देखो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, सेल वॉल क्या है और कैसी बनी होती है, पूरा डिटेल में अच्छे से सीखेंगे, विद स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहला पॉइंट आता है सेल वॉल जो होती है, ठीक है। सेल वॉल कैसी है? हम कहते हैं कि दिस इज द आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है। क्या एनिमल सेल्स के पास होती है? नहीं होती। क्या बैक्टीरियल सेल्स के पास होती है? बैक्टीरिया के पास में होती है। तो मैंने लिख दिया आउटर कवरिंग है किसके पास, ये प्रेजेंट होगी प्लांट सेल्स में भी होती है और बैक्टीरिया के पास भी है। तो इसका मतलब हो गया, मैं एक नोट में लिख दूं यहाँ पे कि एब्सेंट होगी कहाँ पे, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो मैंने तीन तरह की सेल्स सिखाई, तीनों सेलों में से दो सेल्स के पास में आपका सेल वॉल है और एक के पास में नहीं है। तो जिसके पास में नहीं है, किसी भी एनिमल के पास में सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। और पॉइंट आता है कि किस चीज की बनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि यहाँ पे सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है, दैट इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, दैट इज द सेलुलोज। किसकी होगी? सेलुलोज की बनी होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी होती है। डू यू नो अबाउट द सेलुलोज, व्हाट इज द सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है, क्या जानते हो सेलुलोज के रिगार्डिंग? तो सेलुलोज को मैं कहना चाहूंगा दिस इज द कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, एक कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स
ठीक है, उसी की बनी होती है सेलुलोज। सेलुलोज क्या? कार्बोहाइड्रेट है, तो सेलुलोज की बनी होती है प्लांट की सेल वॉल। किसकी है ये? प्लांट की सेल वॉल, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब आता है पॉइंट कि बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है, तो वो किसकी बनी हुई है? तो मैं यहां पे एक लाइन में लिख दूं, बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ, तो हम देखें किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ किसकी बनी होगी? तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। मैं यहां पर लिखूंगा पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। इसी का दूसरा नाम होता है म्यूरिन। ये क्यों कहते हैं इसको डिटेल में यहां पर नहीं जाऊंगा, जब आप 11 12th का सिलेबस पढ़ोगे वहां पर पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब इतना याद रखिए पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है, क्योंकि जो कोई भी एंटीबायोटिक होती है बैक्टीरिया को मारती है, हम दवाई खाते हैं मेडिकल में, मेडिसिन में, तो इसी सेल वॉल पर अटैक करती है, ठीक है। कैसे करती है वो हम 11 12th क्लास में सीखेंगे। अभी आज के लिए अभी इतना ही सीखिए कि बैक्टीरिया सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड म्यूरिन, तो इसी का दूसरा नाम होता है म्यूरिन। तो अब तक हमने देख लिया कि सेल वॉल किस किस के पास है, बैक्टीरिया के पास है और प्लांट के पास है, और उनके पास है किसकी बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है प्लांट की, और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो हमने दोनों पॉइंट सीख लिया कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई है और बैक्टीरिया की किसकी बनी हुई है। अब देखते हैं सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, क्या काम करती है, क्या फालतू में प्रेजेंट है, कुछ रोल भी है इसका। प्लांट के पास में इतनी मोटी सेल वॉल है सेलुलोज की बनी हुई, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेल वॉल? तो हम देखेंगे कि प्लांट के पास में जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल का रोल होता है, सेल वॉल का काम होता है चाहे प्लांट हो चाहे बैक्टीरिया में, ये क्या है, सेल वॉल क्या है, दैट इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या है? एक तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको प्रोटेक्शन दे रही है, साथ ही साथ प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि सेल वॉल का रोल होता है कि दे प्रोवाइड पर्टिकुलर शेप। क्या प्रोवाइड करेगी? प्रोवाइड करेगी शेप। ये शेप किसको मिलेगी? प्रोवाइड शेप टू प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया सेल्स, मतलब सेल को एक पर्टिकुलर शेप दे पाती है, एक आकार दे पाती है। तो जब भी तो हम कहते हैं, जब भी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो इसी टाइप का, एक टाइप का बनाते हैं, वो कैसा? इस टाइप का सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट सेल्स का। वो इसलिए बना पाते हैं क्योंकि ये सेल वॉल है। ये क्या है? आउटर लेयर जो है, दिस इज द सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से ये इसको पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करती है? शेप प्रोवाइड करेगी, और शेप की वजह से इसका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आ पाता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एनिमल सेल्स का कोई हम पर्टिकुलर शेप ही नहीं बना पाएंगे, तो वहां पर सेल वॉल है ही नहीं। वो प्लांट सेल्स के पास में है लेकिन एनिमल सेल्स के पास में नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि एनिमल सेल्स का वो पर्टिकुलर शेप होता ही नहीं है। पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आउटर एटमोसफेयर पे। बस अभी इतना याद रखना है, सेल वॉल क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग है एंड प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करेगी? से प्रोवाइड करेगी। चलिए ये हमारी सेल वॉल की कहानी हो गई, ठीक है। अब सेल वॉल के अंदर कौन सी लेयर आती है? सेल वॉल के अंदर बताई थी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अब दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा, मैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूं या सेल मेम्ब्रेन बोलूं, क्या बेटर होगा? इसी को हम दूसरा टर्म बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये एक ऐसी लेयर होती है जो कॉमन प्रेजेंट होती है, सभी के पास में मिलेगी। तो मतलब ये कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में बार बार मैं ये लिखूंगा पीएम करके, बार बार पूरा नाम नहीं लिखूंगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या करेगी, पर्टिकुलर हर सेल से प्रेजेंट होगी। क्या होगी? प्रेजेंट इन एवरी सेल, हर सेल्स के पास में प्रेजेंट होगी। ऐसा नहीं है किसी सेल, कोई भी सेल ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? कॉमन स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे एक साथ कंटिन्यूस आपको एक साथ समझा देता हूँ कि मैंने लिखा है कॉमन स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कि किसमें कॉमन स्ट्रक्चर है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूँ, इन ऑल लिविंग, इन ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सभी लिविंग बींग्स के केस में कॉमन स्ट्रक्चर होती है, एक जैसी ही होती है, कोई चेंज नहीं होता। तो होती कैसी है?
अब इस पॉइंट पे बात करेंगे तो हम कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होगी। ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? तो यहां पर ध्यान रखोगे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को मैं दूसरी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी को कह सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? तो मैंने लिखा सेमी मतलब हाफ, तो ये मतलब कुछ चीज को तो पास कर पाती है, कुछ को पास नहीं कर पाती। तो मतलब अगर ये इस तरह से मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, मैंने इसका नाम दे दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है? अगर सेमी का मतलब अगर एक तरह से देखा जाए, सेमी का मतलब क्या है? सेमी का मतलब तो आधा होता है। क्या होता है? आधा, हाफ, एक बटा दो। तो मतलब 100% इस सेल के अंदर प्रेजेंट क्या है? सेल्स के अंदर दो चीज का बना होता है, या तो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट, या होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। दो चीजें हैं। सॉल्यूट जब भी कहते हैं सॉल्वेंट, दोनों में अंतर क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहते हैं एक वाटर को, और सॉल्यूट कहते हैं जितने भी आयंस हो गए, चाहे शुगर हो गया, जो भी कुछ दोनों का मिक्सचर बनाओ। तो मतलब दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? भाई सिंपल सा ही समझिए कि मैं कहूँ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन दैट इज द होमोजेनाइजेशन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मैं कहूँ वाटर लिया, वाटर में शुगर घोल दिया, चीनी घोल दी, और दोनों का जो मिक्सचर बनेगा दैट इज द सॉल्यूशन। भाई चीनी और वाटर को मिला दो आपस में तो जो शरबत बनेगा, उस शरबत का नाम क्या है? सॉल्यूशन है। वो क्या है? सॉल्यूशन। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कोई भी सेल हो दुनिया में, उसके अंदर क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्रेजेंट है या सॉल्वेंट। तो दो ही चीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेल्स के अंदर, या तो सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा, वाटर होगा या शुगर होगी, आयंस होंगे, इन्हीं का मिक्सचर होता है। तो मैं कहूँ ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? ये कुछ चीज को तो जाने देती है अपने अंदर और कुछ चीज को रोक देती है। कैसे? तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि यहाँ पे ये केवल एक ही चीज को अलाउ करती है, दैट इज द वाटर। और वाटर को क्या बोला मैं? सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? किसको अलाउ कर रही है? वाटर को अलाउ कर रही है। और वाटर क्या है? मैं बोला वाटर को अलाउ कर रही है, H2O का मतलब वाटर होता है, ध्यान रखना। तो वाटर को अलाउ कर रही है, वाटर की एंट्री दे देती है। वाटर सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकता है, वाटर इससे बाहर भी आ सकता है। भाई अगर मैंने हमने स्ट्रक्चर देखा इस तरह से देखा, ये वाले ये क्या थी? ये बहुत सारी सेल्स थी। और सपोज करो कि एक सेल के पास में वाटर कम हुआ है, एक के पास में वाटर ज्यादा है, तो पड़ोसी सेल से वाटर ले लेगी, वाटर आपस में चेंज कर लेती है कि कोई सेल बिना वाटर के ना रहे। आपस में सेल क्या करती है? एक्सचेंज करती है वाटर, आप दूसरे को दे देंगे, सॉल्यूट नहीं देंगे तो वाटर जरूर दे देंगे। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होता है वे क्या है? सेमी परमेबल नेचर होता है, क्योंकि ये केवल वाटर को पास करती है, वाटर को अलाउ करती है। क्या करती है? वाटर को अलाउ करती है, पास का मतलब एंट्री दे देती है। तो 100% क्या था? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। उसमें से दो चीजें थी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। किसने को पास किया? केवल एक चीज को जाने दिया। वो एक चीज क्या है? वो वाटर है। क्या है? वाटर है, सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्वेंट जो वाटर है जिसको उसने जाने दिया, तो 100% था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मैं बोला आधे को जाने देती है, आधा क्या है? वो वाटर को एंट्री देती है, बाकी को एंट्री नहीं देती। तो नाम दे दिया गया इसका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो दिस इज अबाउट द सेकंड कॉन्सेप्ट दैट इज फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का। पहले मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया आपको सेल वॉल का। तो अब तो हमने ये दो चीजें सीख चुके हैं कि ये सेल वॉल क्या है, है? और दूसरा सीख लिया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, कहां पे प्रेजेंट है। तो मैं समझ सकता हूं, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आगे बात करूं मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाद में, तो हम देखेंगे अब सेल ऑर्गेनेल की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे? सेल ऑर्गेनेल। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है मेरे यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल, ये सेल ऑर्गेनेल क्या है? तो सेल ऑर्गेनेल क्या है, बात करेंगे। सेल ऑर्गेनेल वो चीजें हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, छोटे छोटे कंपोनेंट जो प्रेजेंट है, सबको मिलाकर बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। सेल के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर, दैट इज अ सेल ऑर्गेनेल। ये कहां पे प्रेजेंट है? तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल।
तो ये सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है सेल्स के अंदर, कहां पर प्रेजेंट है? इनसाइड द सेल। तो कोई भी सेल्स हो, चाहे प्लांट सेल्स हो, चाहे एनिमल सेल्स हो, कोई भी हो, हर सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा सेल ऑर्गेनली। क्या देखने को मिलेगा? सेल ऑर्गेनली। और ये सेल ऑर्गेनली होते हैं, अब इसको देखो, मैं इसको एक कैटेगरी बना दूंगा सेल ऑर्गेनली की। ये सेल ऑर्गेनली कितने टाइप के हैं, तो इनको मैं तीन कैटेगरी में आपको दिखाऊंगा। पहले कि मेम्ब्रेन के बेसिस पे, ठीक, कितने मेम्ब्रेन है ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। तो एक होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वो सेल ऑर्गेनेल जिनके पास में एक ही मेम्ब्रेन होती है। कुछ होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। एक कैटेगरी होती है विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, कौन से हैं? विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड। मैं इन कैटेगरी इसलिए बनाया अलग अलग क्योंकि इससे यहां से क्वेश्चन मिलता है आपको। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसके पास में डबल मेम्ब्रेन है, किसके पास में सिंगल मेम्ब्रेन है, और किसका कौन सा बिना मेम्ब्रेन के। अगर आप अलग अलग सबको याद करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे, इधर का एक करके उधर भूल जाओगे, रट्टा मारना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ सिंपल टाइप से कैटेगरी बना दूं तो उस कंडीशन में आप लोग याद रख पाओगे। तो कैसे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में सबसे पहला आ जाता है, हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम शॉर्ट में कहते हैं ईआर। ईआर क्या है? एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। तो एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। तीसरा पॉइंट है वैक्यूल्स। चौथा पॉइंट है लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो मैंने आप चार सेल ऑर्गेनेल के नाम मेंशन किए हैं। पहले नंबर वाइज अगर देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम। तो मैंने एक सीक्वेंस में भी लिखा जिससे कि आपको यह भी पता चल सके कौन सा स्ट्रक्चर किससे बनता है। तो अगर मैं एक एरो दिखा दूं तो उससे आप ये याद कर पाओगे कौन किसको बना रहा है सेल्स के अंदर। तो मैं एक एरो से कह दूं कि ये एरो डिजाइन किया मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बनाता है? गोल्गी को बनाएगा। गोल्गी किसको बनाती है? वैक्यूल को बनाती है। गोल्गी किसको बनाती है? लाइसोसोम को बनाती है। तो मतलब हमें यहां से पता चल गया कि कौन किससे बना रहा है कौन, ठीक है, सेल्स के अंदर। तो ईआर होगा, अगर किसी सेल्स में ईआर नहीं है तो समझ लेना कि उसमें गोल्गी भी नहीं होगा, वैक्यूल भी नहीं होगा, लाइसोसोम भी नहीं होगे। बाई चांस क्वेश्चन दे दे इफ वन सेल्स देयर इज नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो व्हिच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल मे बी एब्सेंट, तो देन गो टू द आंसर गोल्गी, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम। इसमें से जो भी ऑप्शन होगा उस आंसर पर टिक करेंगे। चलिए ये तो बात होगी यहाँ पे किसके, ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो यहाँ पे कितने बताए हैं? चार सेल ऑर्गेनेल की बात कर ले। अब आ जाओ यहाँ पे, आ जाते हैं सेकेंड वाले पे, दैट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। कौन से हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो सेल के अंदर तीन सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इस तीनों में से कौन सा है? एक तो हम बात करते हैं न्यूक्लियस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियस के पास में दो मेम्ब्रेन है। दूसरी बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरी बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कहते हैं प्लास्टिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। तो कंफ्यूज मत होना प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो इस सिलसिले में बताऊंगा एक एक करके सभी को डिटेल में। तो हाउ मेनी सेल ऑर्गेनेल दैट हैव टू मेम्ब्रेन्स, डबल मेम्ब्रेन्स। तो कौन कौन से हैं? तीन है। कौन कौन से? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इन सब नामों की बार बार प्रैक्टिस करनी होगी तभी जाके आपको याद हो पाएंगे। तो आपको न्यूक्लियस भी याद करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हर किसी को आपकी क्लास में नाइन्थ क्लास में सबको बारे में डिटेल में दिया, सबका स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। तो अभी केवल पहले नाम याद रखिए, फिर सबके स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अब क्या ऐसा सेल ऑर्गेनेल है सेल्स के अंदर दैट विदाउट मेम्ब्रेन, जिसके पास में कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है? तो बिल्कुल होता है। तो वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? तो हम देखो किसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन सा है। तो एक तो होता है हमारा राइबोसोम्स। कौन सा सोम? राइबोसोम्स। तो याद रखना राइबोसोम्स होता है, जिसके पास में मेम्ब्रेन ही नहीं थी भगवान ने। भगवान ने बनाया तो सही, लेकिन बिना मेम्ब्रेन के, बिना ऐसे ही, बिना कपड़ों वाला ही। अब जब मेम्ब्रेन नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, राइबोसोम है। इसके अलावा एक और है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और तीसरा है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स।
तो ये सभी सेल ऑर्गेनेल है। तो अगर मैं टोटल बात करूं कितने सेल ऑर्गेनेल है, तो मैंने देखो यहाँ पे चार तो ये हो गए, चार के अलावा पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवा ये हो गया, आठवा ये, नौवा ये, दसवा। टोटल कितने सेल ऑर्गेनेल दिखा दिए मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मैं 10 दिखा दिए। कितने दिखा दिए? 10 सेल ऑर्गेनेल है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। छोटा सा सेल है, इतना छोटा सेल है कि जिसको आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। वो जूम करके दिखाता है 100x और 1000x, ठीक है, 10,000 गुना साइज करके दिखाता है, तब देख पाते हैं। तो इतने छोटे सेल्स के अंदर इतनी बड़ी कहानी प्रेजेंट है। वो कहानी क्या है? सेल ऑर्गेनेल के नाम पे। क्या है कहानी का नाम? हम कहेंगे दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। तो कितने सारे हैं? तो यहाँ पे 10 याद रखने हैं। 10 चीजें तो हमें सेल ऑर्गेनेल के फॉर्म में है। कैसे प्रेजेंट है भाई? जिसमें मेम्ब्रेन भी है, बिना मेम्ब्रेन का भी है, और डबल मेम्ब्रेन भी है। तो ये कैटेगरी मैं समझता हूँ, यहाँ से कैटेगरी से आपको नाम याद रखना याद हो जाएगा, नाम याद रख पाओगे, और साथ ही आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि इन सेल ऑर्गेनेल के पास में जितने भी हैं, इनके पास में कितने टाइप की मेम्ब्रेन है। तो एक क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, सो आप याद करना है, ठीक है। अब देखो, जब भी हम किसी भी सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे, एक एक कॉम्पाउंड यहाँ से मिल जाएगा हमें, ठीक है। और जैसे मैं एक सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूं, हमें पहले सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी बात करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, रेटिकुलम। तो ध्यान से समझना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो बहुत ध्यान से समझना है। तो मैं कहूंगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है किससे बनता है, कहां प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा मैं अभी। तो पहला मैं पॉइंट लिखूंगा फॉर्म्ड फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की किस मेम्ब्रेन से बनेगा? बाहर वाली मेम्ब्रेन से बनता हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किससे बनेगा? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जैसा फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। कैसा होता है? फ्लैट एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर को मैं तीन पार्टों में डिवाइड करके दिखाऊंगा। कैसे? अभी जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस टाइप का, मैं एक सिंपल वे में बनाऊं, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसी में यहाँ पे इस तरह से कुछ प्रेजेंट होता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलिन। ये वाला पार्ट जो होता है, इसको बोला जाता है सिस्टर्नी। और ये वाला पार्ट जो होता है वैक्यूल्स। तो मैं कहूंगा कि इसके कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट, ट्यूब्यूलिन्स, सिस्टर्नी और तीसरा वैक्यूल्स। तो 3 कंपोनेंट, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तो देखना। तो यहाँ पे ट्यूबुलिन याद रखना कौन सा पार्ट है, ये ट्यूब जैसा पार्ट जो होता है ट्यूबुलिन नाम दे दिया गया। ये फ्लैट जैसा पार्ट है, इसको सिस्टर्नी बोला गया, सिस्टर्नी, ठीक है। वैक्यूल्स क्या है? इससे सीक्रेट होते हैं, वैक्यूल बनते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा अभी। और स्ट्रक्चर दिखाने से पहले मैं आपको इसके पहले टाइप्स बताऊंगा, ठीक है। क्या दिखाऊंगा? टाइप्स दिखाऊंगा। तो हम कहेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके फंक्शन भी याद करने हैं, टाइप्स ऑफ ईआर। तो कितने टाइप्स के होते हैं? तो टाइप्स में यहाँ पे मेंशन करेंगे, 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 1 कैटेगरी दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और 2nd कैटेगरी दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला क्या है? RER, और दूसरा है SER। तो क्या होता है RER? हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों पहले 2-3 डिफरेंस बताऊंगा, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम।
तो उससे आपको याद भी रहेगा। तो पहले क्या है, दो तीन डिफरेंस देखिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दे आर प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास वाला हिस्सा जो होता है वो किसका होता है, आर ई आर का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा मैं कहूंगा दे आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट फार फ्रॉम, फार का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फार का मतलब होता है दूर, क्या है, दूर प्रेजेंट होता है किससे, दूर, दूर प्रेजेंट होता है, फार फ्रॉम न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से दूर है उस चीज को बोलते हैं एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा मेन डिफरेंस याद रखोगे जो हमेशा पूछा जाता है, आरईआर जो होता हैव राइबोसोम बाउंड, राइबोसोम बाउंड, तो यहाँ पे राइबोसोम अटैच रहते हैं, क्या अटैच रहता है, ये बहुत अच्छी चीज है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के पास ही मेम्ब्रेन नहीं होती, तो एक सेल ऑर्गेनेल और याद रखना है राइबोसोम्स। तो यहाँ पे 11वां याद लिख लेना, यहाँ पे 11वां नंबर क्या है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया, राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स क्या है, बिना मेम्ब्रेन का, ये भी लिखा तो है, लिखा है, सॉरी ऊपर लिख दिया मैंने, है ना, लिखा है। तो राइबोसोम्स क्या है, बिना मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है ये लिखा हुआ, ठीक है। तो राइबोसोम अटैच रहते हैं किस पे, आर ई आर पे अटैच रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच रहता है राइबोसोम्स। यहाँ पे देयर इज नो राइबोसोम्स, देयर इज नो राइबोसोम, यहाँ पे राइबोसोम नहीं होते, तो राइबोसोम नहीं है। तो ध्यान रखना राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसलिए अगर इसका फंक्शन याद करेंगे क्या काम करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है कौन, आर ई आर। इसमें क्या फंक्शन हो जाएगा, अगर हम देखेंगे फंक्शन क्या होगा किसका, इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, ध्यान रखना हर क्वेश्चन मिलेगा आपको जितना बता रहा हूं, अभी आपसे पूछूंगा क्लास के तुरंत बाद ही, इसलिए याद करते चले साथ साथ, ठीक है, पूरा फोकस होना चाहिए क्लास में। तो फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस, ये क्या है, लिपिड, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड को बनाने का काम किसका है, लिपिड को बनाने का काम होता है एसईआर का। स्टेरॉइड सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स, वो भी कौन बनाता है, वो भी यही बनाता है एसईआर। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, हम जितनी दवाइयां खाते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन यही करता है एसईआर, उनको उनका मेटाबॉलिज्म उनको डाइजेस्ट करके, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालना, वो भी एसईआर का काम होता है जो दवाइयां खाते हैं, ठीक है। जीनोबायोटिक कंपाउंड खाते हैं हम, बहुत सारे तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर हैं, वो कलर है बॉडी में जाते हैं, तो वो किसका रोल है उसको साफ करना बॉडी को, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही फंक्शन होता है। तो ध्यान रखना ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, जीनोबायोटिक कंपाउंड को रिमूव करना, ये सब काम होते हैं स्मूथ के, इसका रखना याद प्रोटीन सिंथेसिस। अब मैं अगर इसको बताऊं यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में दिखाना चाहूँ, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये बनाओ कि वो बना के दिखाइए, अब यहाँ पे न्यूक्लियस बनाइए, और जब हम न्यूक्लियस बना रहे हैं यहाँ पे, तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन को यहाँ पे इस तरह छोड़ दिया, अब इसी को थोड़ा इलोंगेट करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ से भी खुला हुआ स्ट्रक्चर है, तो ये इधर को आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया, अब इधर आ, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ई आर, ये आर ई आर बोलेंगे क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। अब इसी में आगे और बना दो थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ बना दिया इस तरह से, कुछ इधर दिखा दिए, अब यहाँ पे जो बना रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ट्यूबुलर पार्ट थोड़ा बड़ा दिखाएंगे, तो ये हो गया एस ई आर। तो मैंने बोला कि यहाँ पे क्या अटैच होगा, यहाँ पे कुछ चीज अटैच होती है, मैंने दिखा दी ग्रीन कलर का कुछ दिखा दिया, ये क्या चीज है, तो मैं कहूंगा कि जैसे था राइबोसोम अटैच है, तो राइबोसोम से पहचानते हैं, ये क्या है, राइबोसोम अटैच है,
अगर राइबोसोम अटैच होगा तो वो क्या है, RER है, रफ एंडो प्राइमरी रेटिकुलम। अगर इसमें स्मूथ के केस में राइबोसोम एब्सेंट होता है तो ये SER है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, इसका एंडो प्राइमरी रेटिकुलम का, ठीक है। ये कौन सा पोर्शन है इसका, इसका नाम था सिस्टर्नी। तो इसका ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है बीच में, ये क्या है, ये वाला ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोला गया था ट्यूब्यूलिन, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाएंगे, छोटे छोटे वेसिकल्स दिखा दो, तो वेसिकल्स को क्या बोलेंगे, वेसिकल्स या वैक्यूल्स, ईयर ड्रैड वेसिकल्स, ठीक है। तो ऐसा होता है कि न्यूक्लियस से कुछ चीज बनी है, राइबोसोम यहाँ पर अटैच था, फिर SER में पास होगा, फिर वेसल्स में आकर पैक हो जाएगा, जो भी कुछ सामान बनता है, चाहे प्रोटीन बने चाहे लिपिड बने। तो यहाँ पे सब छांटने का काम भी होता है, ठीक है। अब इतना याद रखिए, तो स्ट्रक्चर समझे, तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाई, तो यहाँ पे देखेंगे कि ज्यादा पार्ट किसका दिखाया, येलो पार्ट से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं, तो येलो वाला पोर्शन क्या है, ये येलो वाला पोर्शन हो गया किसका, ये हो गया RER का। दूसरे को अगर मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करूं, तो ये ग्रीन कलर वाला पार्ट क्या है, ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर देखा जाए पोर्शन किसका ज्यादा है, तो SER 3 गुना होता है, ठीक है। कितना होता है, 2/3 एरिया को कवर करता है, ये 1/3 एरिया को कवर करेगा, मतलब ज्यादा होता है RER और कम होता है SER सेल्स के अंदर। तो ये मैंने बात यहाँ पे बात कर ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, थोड़ा हमने अच्छे से सीख लिया, तो इसके फंक्शन भी बता दिए हैं और दोनों को डिवाइड करके टाइप्स भी बता दिए हैं। तो क्या सीख लिया, टाइप्स भी सीख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसके मैं क्वेश्चन की बात करूंगा अभी, ठीक है। कुछ दो चार क्वेश्चन अभी इसके सॉल्व करेंगे। तो क्लास के अगर क्वेश्चन देखे हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, तो आप क्वेश्चनों पे आ जाते हैं, तो आपको क्वेश्चनों के आंसर करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। हाँ चलो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन शो कर रहा हूं, देखिए थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा अभी, अभी क्या है, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ पेज को, देन यू विल बी विजिबल एवरीवन फॉर क्लियर। अभी क्लियर दिख रहा क्वेश्चन सभी को, किसी को इशू तो नहीं है, ओके। तो जो क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करूंगा, वो क्वेश्चन जो पढ़ चुके हैं उन्हीं को हाईलाइट करूंगा, ठीक है। पावर हाउस अभी नहीं पढ़े, सेकंड क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, करिए आंसर। हु डिस्कवर्ड द सेल्स, सेल को किसने, वेरी गुड, रॉबर्ट हुक, हमें लास्ट क्लास में पढ़ा था रॉबर्ट हुक, ठीक है, नाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ ये क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस अकरिंग, तो किस पर आंसर जाओगे, बोलिए, राइबोसोम, वेरी गुड। राइबोसोम क्यों है, ये किस पर अटैच थे, बोलो, राइबोसोम कहाँ पर अटैच थे, हाँ वेरी गुड, दे आर अटैच ऑन RER, अटैच ऑन RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, हाँ क्वेश्चन ये देखिए, ये अभी बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन किसके पास होती है, मितांशी, वेरी गुड, सिंगल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, देख लेना कहां से हो जाएगा, मैंने सिंगल मेम्ब्रेन देखो, अभी मैं बताया था थोड़े पहले, सिंगल मेम्ब्रेन वाला कौन सा है,
न्यूक्लियस से, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम से, बोलो क्वेश्चन सही है गलत है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैंने बोला कि इसके पास में दो मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस के पास मुझे याद है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में दो मेम्ब्रेन थी, प्लास्टिड के पास में दो मेम्ब्रेन थी है, राइबोसोम के पास में मेम्ब्रेन थी, ये कैसा कैसा था? विदाउट विदाउट मेम्ब्रेन। तो ऐसे क्वेश्चन पर क्या बोलोगे आप, बोलो क्वेश्चन सही है गलत है? बोलो रॉन्ग। वेरी गुड, तो ऐसे क्वेश्चन बोलेंगे रॉन्ग क्वेश्चन। तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को भी गलत साबित कर सको, ठीक है? तो जैसे आपने देखा कि क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो क्या बोलोगे? दे नो ऑप्शंस, तो बोलोगे नो ऑप्शन सर, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया राइट वाला, ठीक है? तो ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, बूस्ट अप करता है बच्चे के, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर इसमें से नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? मैं एक ऑप्शन और नहीं देता हूँ, डी के बाद में ई, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो ऐसे आंसर में जाएंगे नन ऑफ दीज पे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन कौन बताएगा? मितांशी बोलो, फंक्शन ऑफ ईआर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईआर? न्यूक्लियस, मैकेनिकल सपोर्ट, एटीपी फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो। जल्दी से बताओ, पता है नहीं पता है? देखो ऐसा फंक्शन ने इनने पढ़ा ना, ये तो बताया ही नहीं, ये सोच रहे हो? बोलो, ये वाला नहीं पढ़ा मैंने। अब भाई ये बताओ ना, इसमें थोड़ा दिमाग चलाइए, इसलिए तो सब कुछ नहीं पढ़ा बताया जाता, ये सोचना ही पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचिए। जब हमने देखा कि एंडो ये सेल थी और सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद इसके चारों ओर इस तरह से मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है। अगर देखा जाए कोई अगर सेल के अंदर सबसे ज्यादा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ईआर है, है, और पूरा सबको सपोर्ट दे रहा है, सेल्स को अंदर इसको चकने नहीं दे रहा, बाहर से प्रेशर पड़े उसको सपोर्ट दे रहा है, तो किस आंसर में जाना चाहिए बताओ? मैकेनिकल सपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटीपी फॉर्मेशन। भाई न्यूक्लियस को तो बनाता नहीं है, एटीपी भी नहीं बनाता, वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, मॉलिक्यूल का एक्सचेंज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का एक्सचेंज करता है, बोलो, या मैकेनिकल सपोर्ट देगा? मैकेनिकल सपोर्ट किस का है? मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब आउटर साइड से, वो कौन देता है? ये तो हम सेल वॉल पढ़ रहे थे, क्या थे? सेल वॉल। अब क्या बचता है आंसर? एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, भाई जो चीज न्यूक्लियस से बनी, न्यूक्लियस के बन से ईआर के पास में गई, ईआर से किसके पास जा रही है? लाइसोसोम के पास, और किसके पास? वैक्यूल के पास। जब मैंने स्टार्टिंग बताया था मैं कि इस एरो से याद रखना है, तो वो एरो क्या बता रहा था वहां पे? वो एरो से ये था कि एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस ने ईआर को बनाया, ईआर ने लाइसोसोम बनाया और वैक्यूल बनाया, मतलब ये पास कर रहा चीजों को, एक्सचेंज कर रहा है एक दूसरे में। न्यूक्लियस का सामान ईआर के पास आया पहले, ईआर से गया लाइसोसोम के पास, लाइसोसोम से वैक्यूल के पास, और वैक्यूल ले जाकर उसको कहीं कभी न्यूक्लियस ने उसमें मेम्ब्रेन चिपकाएगी, कहीं सेल वॉल में चिपका देगी जाके, तो मतलब सब चीज को ट्रांसपोर्ट करने करेगा फिर बाद में, गोल्गी फोल्गी जितने भी हैं, ठीक है? तो मतलब एक्सचेंज इससे ही पास होता है हर चीज, तो इसके लिए आंसर जाएगा किस पे? आंसर हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये अभी पढ़ा नहीं है, केव साइकिल ने पढ़ा। ऑर्गेनेल विच रिमूव वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज, मतलब इसका मतलब क्या है? किसके पास है मेम्ब्रेन नहीं होती? अलग टाइप का कौन सा है बताओ? प्लास्टिड के पास में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम, कौन सा अलग टाइप का है? कुछ तो बोलो, मिताली से कहाँ चली गई? नहीं हूँ, बताओ जल्दी। शिवा,
इसका मतलब समझ में आ रहा है? अभी आपको इसका मतलब ही नहीं पता है, पता चल रहा है? ये क्या नहीं, ये क्या है? रोन आउट सेल ऑर्गेनली, जो सेल के अंदर कूड़ा करकट जो भी जमा हो जाता है, किसी सेल और सेल की डेथ हो जाती है या कुछ भी है, उन सबको खा पी के हजम करना, उन सबको खत्म करने का काम कौन करेगा? तो वो किसका होता है? लाइसोसोम का। अभी लाइसोसोम पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीख पाओगे, अभी लाइसोसोम पढ़ाया नहीं है। ठीक है, देखो प्लास्टिड का काम होता है फोटोसिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है पावर हाउस, और गोल्गी का काम होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ये सब पढ़ेंगे अभी, ठीक है? तो इसलिए आंसर जाएगा लाइसोसोम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स? देखो केवल एरो से क्वेश्चन बनना जानना चाहिए, जो एरो बताया था बना के अभी, कौन किसको बना रहा है याद करो। न्यूक्लियस किसको बना रहा है? ईआर को। ईआर किसको बना रहा है? गोल्गी को। गोल्गी किसको बना रही है? लाइसोसोम को एंड वैक्यूल को। तो बताओ जल्दी आंसर कौन करेगा? मितांशी करेगा आंसर इसका। मितांशी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जल्दी बताओ। लाइसोसोम किसको, किसने बनाया लाइसोसोम को? ये लाइसोसोम हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या गोल्गी, तो गोल्गी ने क्या बनाया? लाइसोसोम को। देखो हर चीज इंपोर्टेंट होती है जिस वे में पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने बताया कि एक एरो से ही आपको याद रखने का मैंने ट्रिक दे दिया कि इसको याद रखना है एरो के फॉर्म में ही, कौन किसको बना रहा है। तो देखो उसी टाइप से क्वेश्चन आया नहीं आया? आया ना, बोलो आया ना? हाँ आया ना क्वेश्चन। तो हर चीज इंपोर्टेंट होती है। अगला देखेंगे, न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट इन द प्लास्टिड नोन एज, ये अभी पढ़ोगे। क्रोमोसोम्स ये भी पढ़ोगे। देखो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 14 ये पढ़ाया था आज ही। अब हम उन क्वेश्चनों की बात करें जो हमने आज पढ़े हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज। नॉट लिखा हुआ क्वेश्चन में, ध्यान देना क्या लिखा हुआ, नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो सेलुलोज की नहीं बनी होती। वेरी गुड। बैक्टीरिया की किसकी थी बोलो? बैक्टीरिया की सेल वो किसकी बनी होती है? बताया था मैंने पेप्टाइडो ग्लाइकन, पेप्टाइडो ग्लाइकन। चीटिंग कौन कर रहा है? कौन बता रहा है किसको? मुझे आवाज आ रही है? कोई हेल्प मत करो किसी की। किचन ऑफ द सेल ये भी पढ़ोगे। अच्छा ये बताइए, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन चीक सेल्स, ये कौन बताएगा? ह्यूमन चीक सेल्स का आउटर मोस्ट लेयर क्या है? कोई ये कहेगा कि बताया नहीं है? पढ़ाया आज ही पढ़ाया मैंने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। क्या है आंसर हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। क्यों होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताओ? व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन द करेक्ट आंसर? मितांशी आंसर करेगी। बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों सही है? सबसे बाहरी लेयर पूछी थी, से बोलो किसकी है, किसकी पूछी गई है बताओ पहले, बोलो किसकी सेल पूछी गई है? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या है मितांशी? बेटा आवाज नहीं आ रही तेरे को? अरे कुछ बोलो। ह्यूमन क्या है, एनिमल है प्लांट है? हम लोग एनिमल है प्लांट है ये बताओ मितांशी, हम एनिमल नहीं है? हम क्या है? एनिमल। और एनिमल में आउटर मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। सेल वॉल तो होती नहीं है, इसलिए आंसर चला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। इसे कोई बताएगा ये वाला क्वेश्चन? डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम एक्सटर्नल सॉल्यूशन टू ड्राई रीजन्स,
एक्जोमोसिस भाई, ड्राई रैशेज जानते हो किसमें जो होती है, कैसी किसमें से है, सूखी हुई जो पिचकी रहती है, ये क्या है, किसमें है। और जो किसमें होती है उसको पानी में डाल दो, क्या होगा उसका, ये साइज बढ़ेगा कम होगा, बोलो, बढ़ेगा बढ़ेगा। जब फिर यहाँ पे वाटर था, इसको ऐसे बर्तन में रख दिया जिसमें क्या था, वाटर था, और वाटर वाटर इसके अंदर पहुंचा तो सेल्स के अंदर वाटर एंट्री करता जा रहा और उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब हम दो वर्ड समझते हैं कि ये तो होता है एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या होता है, एग्जिट गेट से बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, आउट ठीक है, और अंदर आने के लिए क्या होता है, एंड, एंड तो कौन सा वर्ड होगा, एग्जोस्मोसिस या एंडोस्मोसिस, क्या हुआ यहाँ पे, बोलो, एंडोस्मोसिस हुआ ठीक है, क्यों, वाटर अंदर पहुंचा है, सेल्स के अंदर आ गया और सेल्स का साइज इंक्रीज हो गया, साइज बढ़ गया ठीक है, एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मितांशि के लिए, मितांशि और किसी को आंसर नहीं करना, ये मितांशि करेगी आंसर, जल्दी बोलिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल लिविंग सेल्स इज इम्परमेबल, सेमी परमेबल, कौन सी हो गया, सिलेक्टिवली परमेबल, अभी मैं बस सिखाया था आपको, बोलो जल्दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल लिविंग सेल्स इज क्या होती है, शिवा शिवा आंसर करो, अभी तो बताया था सेलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल, सेमी परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल, और दो ऑप्शन है यहाँ पे, सेमी परमेबल बताया मैंने, सेलेक्टिवली परमेबल बताया है, अब कंफ्यूजन हो गया कौन सा वाला सही होगा, है ना, जल्दी बताओ। हाँ इसमें बोला गया है ऑल लिविंग सेल्स, मैंने बताया था कि सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल दो वर्ड है, अब इसमें बोला सभी की जिसमें एक्सेप्शन ना हो, तो कैसी होती है सभी की, बोलो, सेलेक्टिवली परमेबल सभी के लिए आएगा, सेमी परमेबल सभी के लिए नहीं बोल सकते, कुछ सेल वॉल ऐसी भी होती हैं एक दो की जिसमें से, हाँ जिसमें से दूसरा चीज भी आउट हो जाता है, सॉल्यूट भी या सॉल्वेंट भी कुछ ऑर्गेनिज्म में ठीक है, इसलिए आंसर क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल हर ऑर्गेनिज्म की मिलेगी, अगर ये ऑल वर्ड नहीं होता तो हम दूसरे आंसर पर जा सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द ऑल लिविंग सेल्स, तो सभी लिविंग सेल्स की सेल वॉल कैसी है, सेलेक्टिवली परमेबल, क्योंकि लिविंग सेल्स की बात कर रहे हैं कि लिविंग सेल्स के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म, वाटर भी होता है, जब सेल्स की डेथ हो जाती है तो उसमें वाटर होता ही नहीं है, तो वहां पे सेमी परमेबल आंसर गलत हो जाता है, इसलिए लिविंग सेल्स का जब टर्म बोला गया ऑल लगा दिया तो जाएंगे सेलेक्टिवली परमेबल पे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, बोलो गोलू कहां चला गया, विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, बेटा शांत हो गए हो, हाँ विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, जल्दी बोलो, पूरी मैंने लिस्ट बताई थी, देखो जिस तरह से पढ़ाया हर क्वेश्चन बनेगा, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, दुनिया में कहीं से कोई ऐसा बुक आ जाए जिसके पे आपसे मेमोरी नहीं होगी, सब कैटेगरी को मैं डिफाइन किया हूँ, अलग अलग बनाई है, तो कौन सा है, बोलो, राइबोसोम के पास में क्या नहीं होती, मेमोरी नहीं होती, तो ये पूछा गया है नॉट प्रेजेंट, जिसके पास में नहीं होती। प्लांट सेल की सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, लिविंग होती है, रिजिड एंड नॉन लिविंग, क्या आ जाएगा, रिजिड मतलब कठोर, रिजिड एंड नॉन लिविंग, वेरी गुड ठीक है। लास्ट टू क्वेश्चन है ये, अभी पढ़ोगे आप आगे ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही ठीक है,